सो ये है आईफोन 12 प्रो जो कि बैक इन 2020 में लॉन्च हुआ था एंड इसे लॉन्च हुए पूरे 3 साल हो चुके हैं। आज की इस वीडियो में यही इनडेप्थ ऑनेस्ट तरीके से जानेंगे कि क्या आपको आईफोन 12 प्रो को 2024 में बाय करना चाहिए या इस फोन को स्किप करना चाहिए। आईफोन 12 प्रो 2024 में कैसा परफॉर्म करता है, बैटरी कैसी चलती है, कैमरास कैसे हैं, इवन गेमिंग पर भी इस वीडियो में बहुत अच्छे से बात करी गई है। एंड ये फोन अगर आप न्यू लेने जाओगे तो न्यू मिलेगा नहीं, आपको सेकेंड हैंड ही बाय करना पड़ेगा एंड मैंने भी इसको सेकेंड हैंड ही बाय करा है। आज की इस वीडियो में मैं इसकी सेकेंड हैंड प्राइस के बारे में भी बात करने वाला हूँ एंड मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सेकेंड हैंड लेने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो क्योंकि मैं ऐसे पुराने आईफोन्स पर इनडेप्थ रिव्यूज लाता रहता हूँ। शुरुआत करते हैं इसकी परफॉर्मेंस से, तो इसमें आपको एप्पल की बायोनिक A14 चिप मिल जाती है जो कि 5 नैनोमीटर पर बेस्ड है। फोन यहाँ पर 5G है, 3 साल बाद आज भी तूफान की तरह चलता है। मैंने कुछ टेस्ट करे थे, स्कोर्स यहाँ पर बढ़िया आते हैं, एप्लीकेशन फटाफट ओपन होती है, टच रिस्पॉन्स भी बेहतरीन है एंड एनिमेशन भी आपको बहुत ही स्मूथ देखने को मिल जाएंगे। आप कितनी ही फास्ट एप्लीकेशन को ओपन क्लोज करो एनिमेशन नहीं अटकेंगे। वैसे आजकल के फोन्स में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है लेकिन आईफोन 12 प्रो में ओनली 60 हर्ट्ज है। उसके बाद भी यहाँ पर आपको बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं होगा कि फोन को और फास्ट होना चाहिए, स्क्रोलिंग वगैरह सब रपरप हो जाती है। फोन की UI में भी आपको कोई लाइक फ्रेम ड्रॉप नोटिस नहीं होंगे, ऐसा इसलिए क्योंकि एप्पल में जो iOS है वो बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज है। बाकी का जो मल्टीटास्किंग है वो भी आपको यहाँ पर नेक्स्ट लेवल की देखने को मिल जाती है। आईफोन 12 प्रो में आपको 6GB की LPDDR4X रैम देखने को मिल जाती है एंड ये एप्पल का पहला ऐसा फोन है जिसमें 6GB की रैम इंट्रोड्यूस हुई थी। बाकी का इसकी रैम में आप आराम से 8 से 10 एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रख पाओगे, ऐप स्विचिंग भी बहुत ही स्मूथ हो जाती है। ओवरऑल यहाँ पर सॉफ्टवेयर एंड UI बहुत अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज है। करंटली iOS 17 पर है एंड इसे अभी 2-3 साल के और अपडेट मिलने वाले हैं। जिस तरीके से ये और भी फ्यूचर प्रूफ हो जाता है एंड ये अच्छा है, एप्पल में आपको 7 साल के अपडेट देखने को मिल जाते हैं जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया चीज है। वहीं जो गेमिंग है वो भी इसमें आप तगड़ी कर पाओगे, एप्पल के 4 कोर ग्राफिक्स आपको इसमें मिल जाते हैं, BGMI ओपन होने में 15-20 सेकंड लग जाते हैं। ग्राफिक सेटिंग की बात करें तो मैक्स आप HDR प्लस एक्सट्रीम यानी कि 60fps पर गेम खेल पाओगे लेकिन गेम ज्यादा सही स्मूथ प्लस एक्सट्रीम पर ही चलता है, हीट कम होता है, ब्राइटनेस भी देर में ही लो करता है। वहीं HDR एक्सट्रीम पर अगर आप गेम खेलोगे तो ब्राइटनेस जल्दी लो कर देगा एंड बैटरी भी जल्दी ड्रॉप करेगा। वैसे गेम खेलने पर कोई भी लैग्स कोई ग्लिचेस नहीं मिलेंगे, रिएक्शन टाइम भी बहुत फास्ट है, कैमरा मूवमेंट स्मूथ है। अगर यहाँ पर आप एक हार्डकोर गेमर हैं तो कंसिस्टेंट हार्डकोर गेमिंग आप इस फोन में इजीली कर पाओगे लेकिन यहाँ पर जो इसकी बैटरी है वो आपको थोड़ा निराश कर सकती है क्योंकि इसके अंदर बहुत ही कम 2815 mAh की बैटरी देखने को मिलती है जो कि नंबर के मामले में काफी ज्यादा कम है। वैसे बायोनिक A14 बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज है जिसके कारण फोन नॉर्मल यूसेज में पूरा एक दिन इजीली निकाल देता है लेकिन अगर आपने इसमें हल्की सी भी ज्यादा गेमिंग करी या कैमरा ज्यादा 1 घंटे के लिए यूज कर लिया तो यहाँ पर फोन की जो बैटरी है वो बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है एंड इसका रोल बैटरी हेल्थ भी प्ले करती है। इस फोन के अंदर 81% बैटरी हेल्थ है जो कि थोड़ी कम है लेकिन अगर आप 90% से ऊपर बैटरी हेल्थ वाला फोन लोगे तो यहाँ पर फोन आपका आराम से एक दिन निकाल देगा। चार्जिंग की बात करें तो बॉक्स में आपको चार्जर नहीं मिलेगा, अलग से खरीदना होगा 2000 रुपये का। 20 वॉट तक की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट कर लेता है एंड यहाँ पर चार्जिंग टाइम 2 घंटे समथिंग का है तो यहाँ पर चार्जिंग में भी आपको जो स्पीड है वो स्लो ही मिलने वाली है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जो कि है इसका कैमरा सेटअप। आईफोन 12 प्रो में आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, तीनों ही कैमराज यहाँ पर आपको 12 मेगापिक्सल के देखने को मिल जाते हैं। अच्छी बात यह है कि इसमें आपको डेडिकेटेड टेलीफोटो कैमरा भी मिल जाता है जो कि बहुत ही तगड़े पोर्ट्रेट शॉट्स लेता है एंड इसके पोर्ट्रेट शॉट्स आईफोन 13 इवन आईफोन 14 से भी बेटर है। उसकी वजह यह है कि सारे नॉन प्रो आईफोन्स के मॉडल सॉफ्टवेयर की हेल्प से पोर्ट्रेट शॉट लेते हैं, वहीं जो आईफोन 12 प्रो है उसके अंदर आपको 2x ऑप्टिकल जूम वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है जिसमें बैकग्राउंड ब्लर बहुत तगड़ा मिलता है, एज डिटेक्शन भी मस्त मिल जाती है एंड डायनेमिक रेंज कंट्रोल भी यहाँ पर बहुत सही दिया गया है। वहीं जो कलर्स हैं वो भी शानदार आते हैं। ओवरऑल आपको यहाँ पर एक सोशल मीडिया रेडी फोटो मिल जाएगा। बात करें यहाँ पर नॉर्मल 12 मेगापिक्सल शॉट के बारे में तो उससे भी बेहतरीन फोटोज आ जाते हैं। इसका मेन कैमरा आराम से 40,000 तक के एंड्रॉइड फोन्स को फोटोग्राफी में बीट कर देगा क्योंकि एप्पल जो डायनेमिक रेंज को कंट्रोल करता है, जो स्किन टोन देता है, जो फोटोज में कलर आते हैं वो बहुत ही बढ़िया आ जाते हैं। अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में फोटो ना भी क्लिक करो तो भी आपको तगड़ी डिटेल्स एंड ब्राइट फोटो मिल जाएगा। वहीं जो इसका अल्ट्रा वाइड कैमरा है वो भी 12 मेगापिक्सल का है, यहाँ पर भी अगेन डिटेल्स आपको मस्त मिल जाती है, कलर्स तगड़े आते हैं, डायनेमिक रेंज कंट्रोल भी मस्त है एंड जिस प्राइस रेंज में सेकेंड हैंड मिल रहा है उस प्राइस रेंज में इसके कैमरास को बीट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। बाकी का यहाँ पर अगर आपको फोटोज को और भी बारीकी से देखना है तो सारे फोटोज में गूगल ड्राइव पर डाल दूंगा, आप खुद बारीकी से भी चेक कर सकते हैं कि इसकी फोटो की क्वालिटी आपके हिसाब से कैसी है। बाकी का जो वीडियो रिकॉर्डिंग है मैक्स आप इसमें 4K 60fps पर कर पाओगे, क्वालिटी आपको बेहतरीन मिल जाती है, डायनेमिक रेंज कंट्रोल भी मस्त है, स्टेबलाइजेशन 1 नंबर मिलता है, वहीं जो फोकसिंग स्पीड है वो भी आपको बहुत फास्ट मिल जाएगी। अगर आप इससे अच्छा खासा व्लॉग बनाना चाहो तो बना सकते हो, प्रोफेशनल रील शूट करना चाहो
तो इसके बैक कैमरे से इजीली शूट कर पाओगे। वही जो इसका अल्ट्रा वाइड है वो ब्लॉगिंग के बहुत ज्यादा काम आने वाला है। एक प्रॉपर व्लॉग इसके अल्ट्रा वाइड कैमरे से बन जाता है एंड यकीन मानो इसकी जो क्वालिटी है वो भी आपको बहुत तगड़ी देखने को मिल जाती है। वही जो फ्रंट कैमरा है वो भी आपको 12 मेगापिक्सल का मिल जाता है। नॉर्मल फोटोज एक नंबर आते हैं, कलर्स भी बेहतरीन आते हैं, सेल्फी में डिटेल्स डायनेमिक रेंज कंट्रोल एक्सीलेंट है, पोर्ट्रेट सेल्फी है वो भी एक नंबर आती है, एज डिटेक्शन भी सही से हो जाता है, ब्लर की क्वालिटी भी आपको तगड़ी देखने को मिलेगी। बस ये कभी कभी हेयर्स को डिटेक्ट करने में थोड़ा बहुत इश्यू कर देता है, बाकी का यहाँ पर जो ओवरऑल क्वालिटी है सेल्फी की वो आपको बहुत तगड़ी देखने को मिल जाएगी। वीडियोस की बात करें तो मैक्स आप फ्रंट कैमरे से 4K 60fps पर वीडियो बना सकते हो। रील्स या शॉर्ट्स बनाने का सोच रहे हो तो आंख बंद करके इस फोन को ले सकते हो। इससे शूट करना, इसी से एडिट करना, इसी से अपलोड कर देना। अगर आप मेरी तरह कंटेंट क्रिएटर हो तो इसके कैमराज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में इसके फ्रंट कैमरे से वीडियो बनाओगे तो ये व्हाइट कलर को थोड़ा एक्सपोज कर देता है, तो यहाँ पर जो लाइटिंग है उसका आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी का इसके लुक एंड फील की बात करें तो इसका जो इन हैंड फील है वो आज भी बहुत ही ज्यादा प्रीमियम है। इसको चलाने में एक अलग ही रिच फीलिंग आती है। पूरा फ्रेम आपको स्टेनलेस स्टील का मिलता है जो कि बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है एंड दिखने में भी बेहद प्रीमियम लगता है। एंड जो वेट मैनेजमेंट है वो भी इतना बेहतरीन करा है जिससे आपको ये फोन बिल्कुल भी बल्की फील नहीं होगा। पोर्ट्स के बारे में बात करें तो हेडफोन जैक यहाँ पर शुरू से ही गायब है। बटन की प्लेसमेंट परफेक्ट है। सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर फेस आईडी मिल जाती है जो कि इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा फास्ट एंड सिक्योर है। सिम ट्रे की बात करें तो एक 5G सिम का स्लॉट आपको देखने को मिल जाएगा। सेकेंडरी सिम आपको यहाँ पर ई सिम करवानी पड़ेगी। बाकी का यहाँ पर जो 5G की स्पीड है वो आपको बहुत तगड़ी इसमें देखने को मिल जाती है। ये फोन IP68 की वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ भी आता है, तो आप इसको पानी में लेकर आराम से कूद सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप सेकेंड हैंड फोन लेने वाले हैं तो ये चीज़ ध्यान रखना, आपको आइडिया नहीं होगा कि फोन कहीं पहले तो नहीं खुला है। अगर पहले खुला हुआ और अगर आप पानी में लेकर कूद जाते तो यहाँ पर वाटर डैमेज हो सकता है एंड उसका खर्चा बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इसको पानी से दूर ही रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। वहीं जो iPhone 12 Pro में फ्रंट ग्लास है उसकी प्रोटेक्शन भी बहुत तगड़ी दी गई है। एप्पल की सिरेमिक शील्ड आपको मिल जाती है। फोन आपका गिरने से तो नहीं टूटेगा, लेकिन अगर आप सेकेंड हैंड ले रहे हो अगर उस पर टेम्पर ग्लास लगाए तो हटा कर देख लेना, क्योंकि ये सिरेमिक शील्ड बहुत जल्दी स्क्रैचेस ले लेती है। एंड अगर फोन पर स्क्रैचेस होते हैं तो उसी हिसाब से उसका प्राइस कम करना, ज़्यादा में लोगे तो आपको यहाँ पर घाटा हो सकता है। ये तो हो गए डिस्प्ले प्रोटेक्शन की बात। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इसकी डिस्प्ले की क्वालिटी कैसी है। तो iPhone 12 Pro के अंदर आपको 6.1 इंच का एक 2K XDR OLED डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। HDR10 एज वेल एज Dolby Vision का भी सपोर्ट दिया है। फुल हाई क्वालिटी में वीडियो बिना अटके चल जाएगी, कलर्स बेहतरीन आते हैं, व्यू एंगल्स भी कमाल के, डिस्प्ले अच्छा खासा शार्प है, बाकी का बेजल्स भी कम है जिससे ये और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। मल्टीमीडिया कंजप्शन करने में कोई इशू नहीं आने वाला है। नेटफ्लिक्स पर भी HDR का सपोर्ट आपको मिल जाएगा। ब्राइटनेस नीड्स इंडोर में यहाँ पर 800 जो कि मेरे हिसाब से मैनेजेबल है, फोन इंडोर में अच्छा खासा ब्राइट रहता है। लेकिन आउटडोर में यहाँ पर आपको 1200 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है। इसमें भी डायरेक्ट सनलाइट में आपका काम तो चल जाएगा, लेकिन हल्की सी ब्राइटनेस की कमी आपको थोड़ी बहुत महसूस हो सकती है। बाकी का यहाँ पर जो साउंड क्वालिटी है वो आपको इसमें बहुत तगड़ी देखने को मिल जाएगी। डुअल स्टूडियो स्पीकर का सपोर्ट दिया गया है, बेहतरीन सराउंडिंग साउंड आपको इसमें मिल जाता है। सो अब यहाँ पर बात करते हैं कि क्या आपको iPhone 12 Pro को सेकेंड हैंड बाय करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो कितने में करना चाहिए, एंड अगर नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए। तो देखो यहाँ पर जो फोन है जितना भी मैंने इसको यूज करा है फोन चलने में रपर अप है। कैमरास भी यहाँ पर आपको तगड़े देखने को मिल जाते हैं। 2x ऑप्टिकल जूम वाला ऑप्शन भी दिया गया है। पोर्ट्रेट शॉट्स बहुत तगड़े आते हैं। इवन यहाँ पर जो गेमिंग है वो भी बहुत तगड़ी हो जाती है। स्टेनलेस स्टील का फ्रेम मिल जाता है। ओवरऑल यहाँ पर फोन दिखने में भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। बात करें इसकी सेकेंड हैंड प्राइस की तो अंडर 35,000 रुपीज आप इसको बाय कर सकते हैं। इससे ज्यादा इसमें पैसे डालना वर्थ इट नहीं होगा। वहीं अगर आपकी मेन प्रायोरिटी बैटरी है तो यहाँ पर आपको iPhone 12 Pro को स्किप करना पड़ेगा। iPhone 12 Pro की बैटरी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं चलती है। सेम iPhone 13 आपको इसी प्राइस में देखने को मिल जाता है। अगर बैटरी अच्छी चाहिए तो आप iPhone 13 की तरफ जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको पोर्ट्रेट शॉट्स में 2x वाला ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा एंड डिज़ाइन उसका एल्यूमिनियम का है। वहीं 12 Pro में आपको स्टेनलेस स्टील मिल जाता है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी। बाकी का अगर आप iPhone 13 एंड 12 Pro के बीच में कन्फ्यूज हो तो ये वाला वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने बारीकी से बताई हैं। आई होप वीडियो आपको जेन्युइनली अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सेकेंड हैंड फोन लेने का सोच रहे हो तो आपको पता ही होगा मैं सेकेंड हैंड फोन कहाँ से लेता हूँ। अगर जेन्युइन अच्छे फोन चाहिए तो आप स्ट्रीट मोबाइल से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उनका इंस्टाग्राम का हैंडल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी का सेकेंड हैंड लेने से पहले बहुत सी चीज़ें देखनी होती हैं, उसका भी एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने चैनल पर डाला हुआ है। उसको देखने के बाद अगर आप सेकेंड हैंड फोन लोगे तो आपके साथ कोई भी फ्रॉड नहीं कर पाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ एक और नई धमाकेदार वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।